हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये देखिए, आज मैं आपके लिए कैप लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर कैप है, ये जेंट्स कैप है। इसको आप ग्रे कलर में बनाइए, ब्लैक कलर में बनाइए, बुजुर्ग आदमियों के लिए बहुत अच्छा कैप लगता है। ये देखिए, इसको कैसे बनाना है, कैसे फंदे बढ़ाए जाते हैं इसमें, ये मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने पहले बॉर्डर बनाया है 8 सिलाइयों का यहाँ पर, और इसमें मैंने 120 के करीब फंदे डाले हैं। 120 फंदे डाले हैं और यहाँ पर 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, ये देखिए। और यहाँ पर कलियों में, ये देखिए, कली के रूप में फंदे बढ़ाए हैं। 10 फंदों के ऊपर एक फंदा बढ़ाया है और उसी फंदे के ऊपर फिर ये हर बार 10 ही फंदे बढ़ाए हैं, 10 बार बढ़ाए गए हैं फंदे। यहाँ पर काफ़ी हो जाते हैं, ये देखिए, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कैसे बढ़ाए हैं। 10 फंदे मैंने इसमें बढ़ाए और कली के रूप में बढ़ाए हैं। जो फंदे बढ़ते हैं उनको हमने इसके साथ मिलाकर सीधा बनाना है। ये देखिए, 10 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया है, पूरी कैप में इसी प्रकार से बढ़ाए और फिर आगे चलकर यहाँ फंदे कंप्लीट होने के बाद यहाँ 4 सिलाई मैंने प्लेन बनाई है। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4-5 सिलाई प्लेन बनाई। प्लेन बनाने के बाद ये 8 सिलाइयाँ, यानी कि 8 लाइनें हैं ये, तो 16 सिलाई हमने इस प्रकार से डाली है उल्टी उल्टी। यहाँ घटाया नहीं है, यहाँ बगैर घटाए बगैर बढ़ाए, बस यहाँ तक 10 फंदे तक ही हमने बढ़ाए। ऊपर ये 4-6 सिलाइयाँ जो हैं, 4 सिलाइयाँ हैं, ये हमने बगैर बढ़ाए बनाई हैं। फिर ये 8 लाइनें जो हैं, ये भी बगैर बढ़ाए बगैर घटाए बनाई हैं। घटाई फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, इसके बीच में हमने 30-30 फंदे लिए हैं यहाँ से और यहाँ तक के। ये देखिए, एक बार यहाँ घटाया, एक बार यहाँ घटाया, कली अलग से दिखाई देती हैं इस प्रकार। देखिए, अलग अलग से कलियाँ दिखाई देती हैं। बीच में हमने 30-30 फंदे लिए हैं, तो इसको स्टार्ट करते समय हम 15 फंदे साइड में रखेंगे और 15 ही फंदे हमारे दूसरी साइड में आने चाहिए, जिससे कली बराबर आ जाए। ये देखिए, अब मैं आपको फंदे बढ़ाने बताती हूँ कि इसमें मैंने कैसे फंदे बढ़ाए। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं, ये मैं पहले हमने बॉर्डर बनाया। इस बॉर्डर के ऊपर जब हम ऊपर कलियां बनाएंगे, बीच में अगर हम 10 फंदे रखेंगे तो साइड में हम 5 फंदे रखेंगे। ये देखिए, 4-5 फंदे रखेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे जो यहाँ पर सिलाई में आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमने 5 फंदे लिए। अब हम ये जो 5वां फंदा हमारा, इसके ऊपर इसको ऐसे पकड़कर, ये देखिए, इस प्रकार से लेकर एक बार बनाए, बनाने के बाद इसको उतारेंगे नहीं, इसको फिर हम पिछली इसकी साइड से दोबारा बनाएंगे। ये गांठ पड़ जाएगी, इस गांठ से हमें पता चलता रहेगा कि लंबाई कितनी है। फिर हम 10 फंदे बीच में लेंगे इस प्रकार से, इस गांठ से पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया है, उसी के हिसाब से हम आगे फंदे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे 10 फंदों के बाद,
इसी प्रकार जैसे पहले बढ़ाया था, एक फंदे में से बगैर निकाले दूसरा फंदा बना देंगे। ऐसे ही बीच में फंदे गिनकर बनाएंगे, बीच में 10-10 फंदे डालते रहेंगे और कलियां बनती रहेंगी, या फिर इस प्रकार से एक फंदा फिर बढ़ा देंगे। इसी के ऊपर अब इधर हमारे 4 फंदे बचे हैं, लेकिन हमें 5 फंदे चाहिए, तो आप फंदे गिनकर डालिए। ये हमने एक फंदा बढ़ा दिया। अब उल्टी सिलाई इसमें उल्टी बनेगी। एक बार और बताती हूँ मैं कैसे फंदा मैंने बढ़ाया था, और फिर घटाना बताऊँगी। ये देखिए, एक बार और बताती हूँ कैसे बढ़ाए। जो पहले हमने यहाँ पर 5 फंदे बनाए थे, और इस 5वें फंदे के ऊपर हमने फंदा बढ़ाया था, अब की बार भी हम फंदा इसी पर बढ़ाएंगे। ये देखिए, जहाँ पर हमने ये पहली बार बढ़ाया था, अब हम दूसरी बार भी इसी फंदे के ऊपर फंदा बढ़ाएंगे। जो फंदा बढ़ा हुआ है ये वाला, इसको सीधा बनाएंगे, एक्स्ट्रा बन जाएगा ये। ये देखिए, जो बढ़ते जाएंगे वो इस साइड मिलते जाएंगे और वो सीधे बनेंगे इस प्रकार से। इस ये पत्ती हमारी ये ऐसे चलेगी। जो फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हम आगे वाली कली में सीधा बना देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये पहले फंदा बढ़ाया था और इस फंदे पर बढ़ाया था, अब इसी पर हम दोबारा बढ़ाएंगे ऐसे ही। ये देखिए, अलग से दिखाई देता है। ये देखिए, ये गांठ दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर अब हम दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। इस प्रकार करके हमने 10 फंदे बढ़ाने हैं। अगर आप कैप बना रहे हैं तो आप बना कर देखिए, जेंट्स कैप है, बहुत सुंदर लगती है जब जेंट्स पहनते हैं, और बुजुर्ग आदमी भी पहन सकते हैं। ये हमने तीसरी बार फंदा बढ़ा दिया। अब मैं आपको घटाना बताऊंगी, अब मैंने इसको कैसे कलियां बनाई। इसी प्रकार से बनाते बनाते आप 10 फंदे बढ़ाइए, 4 सिलाई प्लेन बनाइए बगैर बढ़ाए, फिर 16 सिलाई आप उल्टी उल्टी करके बनाइए, जिसमें सीधी साइड में 8 लाइनें आएंगी, और उसके बाद हम कलियां बनाएंगे। मैंने कली में उल्टा उल्टा करके घटाया है, आप सीधा करके भी घटा सकते हैं, सीधी साइड बनाकर भी, लेकिन उल्टा करके बनाने से एक डिजाइन बन जाता है, उसमें बिल्कुल भी ऐसे पता नहीं चलता।
अब ये देखिए इनको कैसे घटाना है। आप फंदों की कलियां बना लिए, जैसे यहाँ 10 फंदे बढ़ जाएंगे तो उनकी हम कलियां बना देंगे। कलियां बनाने के बाद ये उल्टी सिलाई बनानी है तो उल्टा ही बनाइए आप। बीच में 4 सिलाई प्लेन बनानी है वो प्लेन बनाइए, फिर आप उल्टा ही बनाइए। उल्टी साइड से हमने कैसे घटाना है ये देखिए, एक सिलाई बनाकर दिखाती हूँ मैं। जैसे इस प्रकार से घटाइए, एक बार शुरू करेंगे तो उसी के ऊपर घटाते जाइए। 3 फंदे लेंगे और 3 फंदों का एक बना देंगे इस ऐसे। जब पूरी उल्टी उल्टी सिलाई में ऐसे बनाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही बीच में कली के हिसाब से फंदे रखकर फिर दोबारा यहाँ पर कली बना दिए। 3 फंदे एक साथ करेंगे तो उसकी गांठ अलग से दिखाई देती है, ये देखो। और इसी के ऊपर हर बार आप घटाते जाएंगे और बहुत ही अच्छी घटाई बनेगी आपकी। पूरा एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे और बीच का ये है, इन तीनों को लेकर एक बना दी। उल्टी सिलाई में नहीं घटाना है, सीधी सिलाई में घटाना है। बहुत ही अच्छी कैप बनेगी, ये देखिए जैसे मेरी बनी बनी है, बहुत ही सुंदर लगती है। और इसकी बराबर कलियां बन जाएंगे। इस प्रकार से आप घटाइए और बढ़ाइए, बहुत सुंदर कैप बनेंगी। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाल बटन को, घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए।